हे hey, मुझे पता है तुम लोग ये वाली वीडियो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वेलकम बैक टू गॉड ऑफ वॉर। मैंने एक लाइव स्ट्रीम करी थी जिसमें मैंने आठों वल्करीज को डिफीट किया था, और अब बारी है उसकी क्वीन सिगरन, जो नाइन्थ वल्करी है हमारी लास्ट। अब मैंने गॉड ऑफ वॉर में क्वीन से कभी फाइट नहीं करी, मैंने वल्करीज को भी डिफीट नहीं किया था। द हाई काउंसिल, मुझे यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे मेरे को क्वीन वल्करी मिलेगी। मैं इस वल्करी को भी लाइव स्ट्रीम करके डिफीट कर सकता था, बट मुझे लगा एक वल्करी के लिए, बेशक वो क्वीन है, लाइव स्ट्रीम करने की क्या जरूरत है। और ये वीडियो फिर पब्लिक भी रहेगी, तो एंजॉय। आई एम प्रीटी श्योर वो क्वीन है, तो वो हार्ड होगी, उसके बहुत सारे कॉम्बोज होंगे। मुझे बस ये देखना है कि वो दिखेगी कैसी। क्वीन है वो। हेयर वी आर। अच्छा, ये हेल्म इसलिए कलेक्ट कर रहा था मैं, यहाँ पे रखने होंगे एक एक करके। क्रेटोस, ये हेल्म्स कहाँ पे रखे हुए हैं तूने? इतनी बड़ी जेब है तेरी, कहाँ से निकाल रहे हैं? हवा में से, दूसरी रेल में से निकाल रहे हैं। क्या हम लोग तैयार हैं? Well, definitely. सरप्राइज अटैक करके क्या मिला तेरे को? ये थोड़ी सी बड़ी है बस, और बहुत अग्रेसिव भी। क्वीन है ये, लग नहीं रही, वैसी ही वल्करी लग रही है। इस वाली को बहुत टाइम लगेगा मारने में, देखते हैं। बहुत उछल कूद रही है, और थोड़ी सी हाइट बढ़ी है बस इसकी, बाकी दिखती सेम ही है। लेट्स गो। मेरे को डॉजेस करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि इसकी बहुत हेल्थ है। ओ मुझे दिखाई तो दे। वो अब इसका यहाँ पे मेरे को वो छोड़ना था, एरो गया। हाँ, बहुत अटैक्स हैं इसके ना। आओ, क्या करती है ये भी? मीटियोर और बुलाती है। डैमेज हुआ मेरे को, लेने से थोड़ी सी हरा सकते हैं, इतनी कुछ ज्यादा टफ नहीं लग रही। 50 HP तो ले ही आया मैं इसे। इसने, ओ मैं काफी दूर था फिर। ये भी बढ़िया है। उसके पास सारी पावर्स हैं। ओ ले, वेल 60%। द डैमेज, कितना खतरनाक डैमेज दे रही है छोरी। अबे भाई डबल, व्हाट द फक। इतना डैमेज, व्हाट द फक मैन, फक, फक मी मैन, फक मी मैन। मेरा ब्रेन काम करना बंद कर देता है इस वाली, इस हेल्थ पे आते ही तो मेरा ब्रेन ही काम करना बंद कर देता है कि वो क्या कर रही है, मेरे को क्या करना चाहिए। अबे कहाँ है यार, पता तो चले। One fucking HP hamish.
Oh, come on, fuck off. कौन है बॉस? लेट्स गो। टफ थी ये, क्वीन थी एक्चुअल में। थैंक यू फ्रेंड्स, मे आई एम शेकिंग। सेव्ड द वैल्कीरीज। ऐसे मूवमेंट बड़े पसंद हैं मुझे। व्हेन डिड दिस हैपन? मिमिर, इज दैट यू? यू हैव बीन फ्रीड, बट फ्रीडम कम्स एट अ प्राइस, मिलेडी। इसकी आवाज से नहीं लग रहा है इतनी टफ होगी। देयर हैज ओनली बीन वन क्वीन ऑफ द वैल्कीरीज, द गॉडेस फ्रेया। Oh. When Odin severed her wings, I served in her absence, but it wasn't enough for the Allfather. He used an archaic piece of magic, corrupting my sisters. I tried to contain the damage by imprisoning them in places where they could cause no harm, but I lost myself as well. इसीलिए कैद कर रही थी बाकी को. I'm sorry for being so worthless. You have the eternal blessings of the Valkyries. Sure. इट वॉज फन भाई ये फाइट, ऐसे इंटेंस फाइट्स लेना कितना मज़ा आता है भाई। इंटेंस बॉसेस डेफिनेटली काफ़ी हार्ड थी, बट इसके जिस हिसाब से हाइप बना रखी थी वैसे ही लगी। पता है ये हार्ड क्यों थी? ये हार्ड इसलिए थी बिकॉज इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा थी बाकी वल्करीज से कंपेयर करें तो, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट अटैक पैटर्न्स में 50% HP कर देता था, इसकी मुश्किल से 20% जाती थी, इसीलिए थोड़ी टफ थी ये। और इसके पास सारे अटैक पैटर्न्स थे, मतलब फ्लेम का भी, कोल्ड का भी, और ये थोड़ी सी लंबी थी थोड़ी सी बड़ी। इट वॉज फन, पर मज़ा आया। हार्ड फाइट थी इसीलिए बढ़िया थी। और इसी के साथ मेरे लिए गॉड ऑफ वॉर होती है एंड। इसमें और थोड़े से साइड बॉसेस वगैरह होंगे, बट आई थिंक क्वीन वल्करी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मेन स्टोरी खत्म कर चुके, वल्करीज को हरा चुके, क्वीन को हरा चुके, वी आर डन। रग्नारॉक के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो मिलते हैं रग्नारॉक में। गुड बाय।